हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जारीवाल, एमडी टीम 360 से आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, नए चेहरे नई फ्रेंचाइजी के साथ में। आप सभी लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है ट्रेनिंग हॉल में हैं और हमारे साथ में यहाँ पे अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्लेस से कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम जानेंगे वन बाय वन, आपको इनका एक्सपीरियंस जानने को तो मिलेगा, लेकिन अभी इनका आज फर्स्ट डे है ट्रेनिंग, यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पहले वन बाय वन इन सभी से जान लेते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस, यहाँ पे पहुँचने से पहले इनके मन में क्या चीज़ थी, क्या विचार थे, और सभी से जानेंगे इनका अपना इंट्रोडक्शन। तो चलिए मुलाकात करते हैं वन बाय वन सभी से। मेरा नाम यश कुमार है, बिहार से मैं आया हूँ और इस टीम 360 डिग्री के बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। तो ऐसे लगभग 4 साल पहले मैंने मिनी शर्मा से मुलाकात हुई यूट्यूब के माध्यम से, और प्लस जो है उसके बाद जो है आदान प्रदान फोन से हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाई एक बार स्पोर्ट पे चलकर देखा जाए, इसलिए जो है जयपुर के लिए यहाँ पर आया। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं यह जानना चाह रहा था कि इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है और कैसे ये काम करती है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे ट्रेनिंग होने के बाद में आगे की ओर सोचना। मेरा नाम सौभाग्य प्रधान है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं एक बेंगलोर कंपनी में एचआर हूँ। एंड मैं जो कुछ ये 3-4 महीने पहले ही फ्रॉम माई फादर आई गॉट टू नो कि लाइक यूट्यूब से, सो उनके बाद मैं पापा से इंस्पायर हुआ ये चीज़ के लिए एंड मैं पापा के साथ दे रहा हूँ ये। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिखा सुभदर्शनी फ्रॉम उड़ीसा और मैं बीएड कंटिन्यू हूँ और मैं ये सब 3-4 महीने ही पहले यूट्यूब से और पापा से ही जाना कि ये सब क्या बोलते हैं कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ। प्रताप प्रधान फ्रॉम उड़ीसा, हमको इसके बारे में YouTube से ही मिला, लेकिन ये आंख बंद करके पढ़ने का जो होता है ये पहले 5 साल पहले मेरे को मालूम था, लेकिन टीम 360 का साथ बातचीत जस्ट 4-5 महीना पहले से हुआ और आज हम ट्रेनिंग के लिए आया है। सबसे पहले तो मैं टीम 360 का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा कि क्यों। पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह चौहान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाकी मेरा प्रोफेशन, मैं नेशनल क्रिकेटर हूँ, यूपी की टीम से नेशनल खेल रहा हूँ और मैं भारत सरकार के अंदर MSME में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। उसके साथ साथ मेरी खुद की एक कंपनी थी, मैं काफ़ी समय से ये चीज़ जानता था और मैं अपनी कंपनी छोड़ के 360 ज्वाइन कर रहा हूँ। रीज़न है इसके पीछे बहुत बड़ा कि जो हम मिलके कर सकते हैं वो अलग अलग होके नहीं कर सकते, तो इसके पीछे हम कैसे काम करेंगे वो आगे डेफिनेटली दिखाएंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच टीम 360, दिस इज़ द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट, जो मुझे लगता है इससे बेस्ट बेहतरीन नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ सोच के यहाँ पर आया हूँ तो इससे बेस्ट नहीं हो सकता, आपको ये खुद रियलाइज़ होगा। बाकी मेरे को इसके बारे में पता चला 2 साल पहले जब मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी थी, मुझे तभी पता था, बट मैंने स्टेप नहीं उठाया आने का। बट एट लास्ट जब मैंने काफ़ी काम किया, देखा सिस्टम कल्चर 360 का, टीम 360 का, फिर मैं आया और आज आपके सामने। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो DD सर को और बाकी टीम 360 टीम को, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह, IIT रुड़की 2010-14 बैच। काफ़ी टाइम मैंने बिजनेसेस में दिया, इन्वेस्टमेंट भी लिया। रिसेंटली अराउंड 1.27 crore की फंडिंग के साथ मेरी अपनी खुद की कंपनी है। बट साथ में जब, क्योंकि मेरा भी एजुकेशन में ही चल रहा है, प्लस इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था एजुकेट कंपनी में। इसके बाद फिर मैंने स्कूल शिक्षा परिवार में एज ए टेक्निकल हेड काम किया 8 महीने। उसके बाद जो चेयरमैन हैं राजस्थान के स्कूल शिक्षा परिवार के, उन्होंने पूरा सपोर्ट के साथ 10,000 स्कूल के साथ एक टेंडर भी, एक एग्रीमेंट भी दिया हमें, और फिलहाल इन्वेस्टमेंट के साथ टीम 360 के साथ कोलैबोरेशन में इनकी पूरी फ्रेंचाइजी लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्रांति आने वाली है। क्योंकि यहाँ से ऐसी चीज़ें, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध दी हमने और उनको वो बुक पढ़ने लग गए। इसके जितने भी कोर्सेज हैं जिनकी ट्रेनिंग मैंने पर्सनली ली है, क्योंकि मैं पिछले 18 महीने से ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, माइंडसेट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, नॉलेज स्किल्स और आपके फोकस के ऊपर जो रिसर्च कर रहा हूँ उसको लेके जो मैंने खुद का करिकुलम बनाया है, मुझे लगता है कि उसको एक
मतलब एक मिसाइल की जो स्पीड देगी वो टीम 360 का ये जो पूरा फ्रेंचाइजी है ये ही दे सकती है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सभी पूरी टीम 360 का। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गौड़ है और क्वालिफिकेशन में तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा एम ए बी एड है और कंप्यूटर में भी डिप्लोमा किया हुआ है। बट अभी जो शिक्षा परिवार की सर बात कर रहे थे, वहाँ पे 3 साल मैंने अनिल सर के साथ काम किया एज अ कोऑर्डिनेटर। पूरे राजस्थान भर की जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब को उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करना, ये सारा पार्ट मैं ही देखती थी 3 साल से। अभी जो DMIT है ये भी हम शिक्षा परिवार ने किया था, बट यहाँ पे आने के बाद जो एक चेंज मुझे दिखा वो यही था, मैं सुबह डिस्कस भी कर रही थी गजेंद्र सर से कि वहाँ पे हमने DMIT किया और उनको छोड़ दिया, बस बता दिया कि हाँ भाई आपका यहाँ यहाँ कैरियर है और आप कर सकते हो। बट उनकी जो स्ट्रेंथ थी और जो उनकी कमजोरी थी उसके बारे में हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए उनको कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ पे मिड ब्रेन एक्टिविटीज से वो कोर्स हम कंप्लीट करवा सकते हैं और बच्चे को कवर कर सकते हैं। एक बताना ही सफिशियंट नहीं होता, उसको उस समस्या का सुझाव देना भी हमने 360 से सीखा है। तो ये इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे आने के बाद कॉन्फिडेंस तो मतलब पहले भी थी मैं, बट यहाँ पे आने के बाद तो एक क्या मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर अब क्लियर है, अब कुछ नहीं है, अब तो बस दाने उड़ा देंगे। मेरा नाम ऋषि राज गौड़ है, मैं राजस्थान जयपुर से ही हूँ। पहले मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ था, लगभग 13-1 साल के आसपास मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेल्स के अंदर था। गजेंद्र सर से मुलाकात मेरी अभी पिछले लगभग 1.25 साल के आसपास से हुई थी, ये साथ में ही थे जो काम कर रहे थे स्कूल शिक्षा परिवार के साथ के अंदर। मैंने देखा कि काफ़ी समय दे लिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, इतना कुछ एज सच मेरे को मतलब रिजल्ट जहाँ पर मैं विज़न था मेरा, मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच नहीं पा रहा था। टीम 360 के बारे के अंदर मेरे को गजेंद्र सर ने बताया, उसके बाद में मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया। उससे पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह हम लोगों ने देखे। जब मैंने इनका पूरा का पूरा विज़न मिशन जब मेरे को कुछ दिमाग के अंदर लगा कि हाँ मैं क्लियर आउट कुछ कर सकता हूँ और मैं यहाँ से कुछ जो मेरे सपने हैं उनको मैं हासिल कर सकता हूँ, प्लस इनको भी मैं हेल्पफुल कर सकता हूँ, इसके साथ में मैं आगे बढ़ने का प्रयास। 360 डिग्री के बारे में मुझे मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले बताए थे, लेकिन मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, बोले ऐसा नहीं होता है जो आँख बंद करके इसको पढ़ा जा सकता है, बच्चा ऐसा कर सकता है। वो बहुत बार हमें बोले लेकिन हम रेडी नहीं थे। 2-3 महीना पहले हम जाके विनीत सर से बात की, अंजलि मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने फिर बताया ऐसा ऐसा, बोले ठीक है हम अपने बच्चों को लेके आएंगे यहाँ देखेंगे, सच में ऐसा होता है तो फिर हम इस पर काम करेंगे आगे। देखो फ्रेंड, यहाँ पे सभी लोग बहुत एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग सेशन की। जल्द ही आपसे मुलाकात करने वाले हैं इन सभी के एक्सपीरियंस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे बाप दादों ने जो आम लगाए थे उनके मैं आज फल खा रहा हूँ, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आम लगा जाऊं। तो अपना दायित्व तो बनता है कि अपन आगे आने वाले बच्चों के लिए कोई प्रतिभा विकसित करने का एक यान, एक ट्रेन ऐसी छोड़ जाएंगे जिसमें बच्चे बैठे और उनके प्रतिभाओं का विकास हो जाए। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहूंगा खास करके कि जापान में एक सर्वे हुआ करीबन 16,000 लोगों का जिनका बचपन में मिडब्रेन एक्टिवेशन हुआ था, और वो सारे लोग जब 25 साल की उम्र में हुए तो सारे के सारे मल्टी मिलियनर बन गए। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब जापान में मिडब्रेन एक्टिव है 950+ यूनिवर्सिटी है, इनमें 3.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, हर साल लगभग 88 लाख के आसपास बच्चे पास आउट हो जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि 31 करोड़ बच्चे अभी स्कूल और कॉलेजों में मिला के हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि अगर पहली क्लास में 100 बच्चे चलते हैं एडमिशन लेते हैं तो 10th में 77 पास होते हैं। जैसे बोर्ड का रिजल्ट कभी 100% नहीं होता, अगर आप पूरे स्टेट्स का मिला दें तो 77% जो है वो रिजल्ट आता है 10th क्लास में बच्चे पास होते हैं, बाकी नहीं होते। फिर जब ये 77 आगे 12th में पहुँचते हैं तो 55 पास आउट कर पाते हैं। जब ये 55 आगे ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं तो टोटल 26 पास कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की। इंडिया के अंदर 93% अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट है। क्यों ये रेट है? कि बच्चे की स्ट्रेंथ ही कि वो स्पोर्ट्स में जा सकता था, म्यूजिक में जा सकता था, एक्टिंग में जा सकता था या किसी और चीज़ में जा सकता था, बट उसको हमने जबरदस्ती पेरेंट्स ने, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था,
डॉक्टर है तो वो सोचता है कि डॉक्टर का ही प्रोफेशन, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली जो रेट है उसका रीजन ही ये है कि पेरेंट डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को क्या करवाएंगे, जो कि अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट मुझे लगता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच जो हो सकती है वो सिर्फ DMIT है जो होनी चाहिए अभी जैसा। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के सामने यूपी की एक ऐसी फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल फील्ड में बहुत सी नॉलेज रखते हैं, बच्चों के बेटरमेंट के लिए कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी रन कर रहे हैं, रन करते करते रिसर्च करते करते फाइनली टीम 360 में ये पहुंचे। दो दिन का बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और फाइनली आज इनकी विदाई होने वाली है। तो चलिए विदाई पे जानते हैं इन्हीं के मुंह से इनका अपना एक्सपीरियंस कि जब दो दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने लिया, इससे पहले इनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस था, क्या विचार थे, क्या सोचा, और अब यहां पे आए तो कैसा ट्रेनिंग सेशन इनका रहा और यहां से किस विजन के साथ में ये यहां से विदाई लेने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं गजेंद्र जी से, जोरदार तालियों के साथ अब इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सर। डीडी सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि इस फ्रेंचाइजी के अलावा भी लाइफ के लिए उन्होंने जो गाइडेंस दी वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छी एडवाइस उन्होंने दी जो जनरली लोग नहीं देते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इससे पहले हम लोग मेरा खुद की एक कंपनी है ब्रेन डिकोडिंग के नाम से, इसका हमने 3 बार ट्रायल भी कर लिया है। लेकिन ये इस कोर्स का जो फ्रेंचाइजी का मैंने एक वीडियो देखा था जो 55 मिनट्स का आई गेस है होगा, उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं एजुकेशन में मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट और है। तो इस उस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो मेरे दिमाग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कर चुके हैं, 18 महीने मैंने पर्सनली ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो DMIT टेस्ट की जो चीज़ें हैं, DMIT टेस्ट, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ का मैंने खुद का एक DMIT टेस्ट पहली बार मैंने यहाँ पे करवाया, तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी लाइफ में जो मैं इनसाइड हूँ, मेरी जो लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक तरह से फोटोकॉपी जैसे हम जिस चीज़ को बोलते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं एक्चुअल में जो हूं उसका एक फोटोकॉपी इन्होंने करके मुझे अपने आप बता दिया, वो भी एक रिपोर्ट से। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पूरे देश में, मेरे हिसाब से तो इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम मोबाइल रखते हैं, जिस टाइप से भी हमें मोबाइल की एक जरूरत होती है कि हमें कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन यूज करना होता है, उस हिसाब उस तरीके से इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। उसका एक रीजन मैं बताना चाहता हूं। उसका रीजन यह है कि हमारे देश में लगभग 93% अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट है। एक्चुअल में हम जो जिस चीज के लिए बने हैं वो हम करते नहीं है। अगर डॉक्टर पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, अगर इंजीनियर फैमिली है तो वो सोचते हैं कि आगे भी इंजीनियर ही जाने चाहिए, आप पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिशियंस सोचते हैं कि उनका बच्चा भी पॉलिटिक्स में जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि पॉलिटिकल अगर पेरेंट हैं, दादाजी हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका पोता भी, उनका बच्चा भी कि पॉलिटिक्स में जाके कुछ करे, हो सकता है वो एक सचिन जैसा एक क्रिकेटर बन जाए। तो ये चीज मुझे अब जानने को मिली कि एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस चीज के लिए बने हुए हैं, वो भी उनके ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो विजुअल पार्ट होता है ये हमारे हाथ की लकीरें होती हैं, ये बहुत सारी रिसर्च प्रूव कर चुकी हैं। और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर हमें ये पता चलता है DMIT के थ्रू कि बच्चा किस चीज के लिए उसका जन्म हुआ है, तो आप सोचिए कि हम उसी डायरेक्शन में बच्चे को गाइड करके उसकी लाइफ को किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज 90% लोग जो जॉब में है वो खुश नहीं है। रीजन सिंपल सा है कि उनको वो चीजें नहीं पता जो पता होनी चाहिए। अगर उनको पहले दिन, अगर छोटी 5वीं क्लास में उनको अगर ये बता दिया जाता कि आप क्रिकेटर अच्छे बन सकते हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, या एजुकेशन फील्ड में कर सकते हो, या IAS बन सकते हो, तो वो अपनी जिंदगी उस फील्ड में नहीं डालते जिसमें वो बेस्ट नहीं है। क्योंकि जो चीज हम माँ के पेट से सीख के आए हैं, जिस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस सी बात है आप हवा के साथ बहोगे तो किस लेवल पे आगे बढ़ोगे, और अगर हवा के खिलाफ अगर बढ़ोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 10 times कम हो जाएगी। तो ये तो एक कोर्स बता दिया, लेकिन यहां तक सीमित नहीं है। ये तो एक हो गई कि आपको कमियां बता दी कि आप बोलने में अच्छे नहीं हो, लेकिन
जो स्पेशल चीज मुझे लगी टीम 360 की, जो सबसे बेस्ट लगी, वो ये लगी कि आपको कमियां बताने के बाद कि आपकी स्ट्रेंथ बता दी और वीकनेस बता दी। तो प्रॉब्लम कहां आती है कि हमें लोग बुरा मान जाते हैं, अगर मुझे आप मेरी कमी बता दो कि ये कमी है आपकी, तो हो सकता है मुझे बुरा लग जाए। लेकिन साथ में जो ये सबसे बड़ी बात है कि कमियां बताना तो एक फैक्टर है ही कि हमें पता चल जाए, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए, एक बीमारी का हमें पता चला लेकिन उस बीमारी का इलाज उन्होंने दे दिया, उसके लिए मिड ब्रेन नाम से एक कोर्स है जो टीम 360 देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कोर्सेज, QSR हो गया, फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, तो ये जो जितने भी कोर्सेज हैं ये एक तरह से रेमेडी है, उसका डायग्नोसिस करने के लिए वो कोर्सेज दिए गए हैं कि DMIT रिपोर्ट आपने की जिससे बच्चे का पूरा आपको पता चल गया कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब उस वीकनेस को दूर करने के लिए जो कोर्सेज हैं वो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा। सबसे पहले वो वीडियो देखने के बाद मैं पर्सनली यहां ऑफिस चल के आया, क्योंकि जयपुर में, जयपुर ही रहता हूं मैं, तो जयपुर में जब आया मैं यहाँ पे स्टाफ से मिला तो दो तीन चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की। सबसे पहली तो ये कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं, और पैसा भी जो मुझे, अभी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अपनी साइड से, अभी मैंने अपने बिजनेस के लिए लगभग 1.27 crore का इन्वेस्टमेंट लिया है, तो 50,000 rupees ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कोर्स की क्वालिटी को देखते हुए और इस कोर्स की मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए कि इससे कितना, मतलब हम लोग तो एक थोड़ा बड़े स्केल पे प्लान कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन में बहुत टाइम से जुड़े भी हुए हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि इस पूरी चीज को कोई भी इंसान अगर शिद्दत से करना चाहे तो 2 दिन की ट्रेनिंग तो देते ही है, लेकिन उसके बाद मैं ये मानता हूं पर्सनली कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो एजुकेशन फील्ड में नहीं भी है वो भी अगर 2 महीने शिद्दत के साथ, अगर आपको 3-4-5 lakh rupees मंथली कमाने हैं तो 2 महीने आप ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद दे देते हैं, तो जो वैल्यू ये लोग दे रहे हैं वो मिनिमम मैं मानता हूं कि एक, अगर एक साइकिल की पंचर जोड़ने वाला भी पर्सन है तो 5 lakh rupees की भी अगर ये फ्रेंचाइजी देते हैं तो वो ज्यादा नहीं है। ये इस कोर्स की स्ट्रेंथ जो मैं फील करता हूं कि अगर ये लोग 5 lakh भी मांगते या 10 lakh भी मांगते इनसे मिलने के बाद, उससे पहले तो एक ऐसा रहता है क्योंकि इंटरनेट पे हम वीडियो देखते हैं, हेडलाइन रहती है 50,000 लगाएं और 5 lakh कमाएं, तो वो फर्जीवाड़ा रहता है ज्यादातर क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन यहां आने के बाद जब मुझे पता चला, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये लोगों के पास इतना ज्यादा मतलब जो मुझे फील हुआ कि टीम 360 के पास काम ही इतना है कि इन लोगों को फुर्सत नहीं है, उससे टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने इनको 4 calls किए जिस दिन मैं आया उसी दिन, जिसका रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लग गई कि पता नहीं ये लोग देंगे नहीं देंगे, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा इस टाइप से लगने लगा। नेक्स्ट डे फिर मुझे कॉल आया, अंजलि मैम ने कॉल किया कि सर आज आप आइए प्रॉपरली हम लोग बात करेंगे, फिर पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा समझा मैंने। तो इन लोगों का टीम 360 का अब तो खैर एक फैमिली की तरह हम लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी को ये लोग बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान, पहली चीज तो आप लोगों के एक विश्वास के लिए बता दूं, आप मुझे भी चेक कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी, मतलब ये सिर्फ एक मार्केटिंग वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना तो आप टीम 360 के साथ ही साथ जुड़ जाओ, क्योंकि दो चीजें बोली जाती हैं कि या तो आप खुद लीडर बन जाओ या आप लीडर के साथ बोलो, बी द लीडर और बी विद द लीडर। तो मुझे लगता है कि टीम 360 कंपनी जो है वो पूरा, हम लोग ऑफिस में ही शूट कर रहे हैं ये चीज, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट अगर कोई बिजनेस फ्रेंचाइजी में तो नहीं हो सकता, पूरे कंट्री के अंदर किसी और इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप पैसे नहीं कमा रहे, पैसे तो खैर एक है ही जरूरी पार्ट लाइफ का, बट उसके साथ साथ आप जो जिंदगियां बदलने वाले हैं, जो जिंदगियां ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, उससे जो नई जनरेशन आने वाली है, क्योंकि नई जनरेशन ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, मिनिस्टर बनेगी, IAS बनेंगे, तो उसको आप पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोगों की जिंदगियां बना सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट को लेके। बाकी टीम 360 का दिल से मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से ट्रेनिंग को पूरा 2 दिन के अंदर, मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, एक अगर 8th class के बच्चे को भी अगर ये सिखा दिया जाए तो वो भी कर सकता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच दीदी। तो मत गजेंद्र जी, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा, और इन्हीं के साथ में इनके टीम मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने भी 2 दिन का सेशन अटेंड किया, तो चलिए इनके टीम से भी मुलाकात करते हैं। हमारे साथ में माधुरी मैम यहाँ पे मौजूद है, जानते हैं हम इनसे भी इनका अपना एक्सपीरियंस।
नमस्कार सर, मैं आप लोगों को बहुत ही थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने जो ये नई चीज़ें सिखाई हैं ये मतलब एक अलग ही चीज़ है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। DMIT ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है या मैंने किया हुआ नहीं है, मैं DMIT पहले भी कर चुकी हूँ क्योंकि मैं शिक्षा परिवार के साथ 3 साल से वर्क कर रही हूँ अनिल सर के साथ, और पूरे राजस्थान भर की स्कूलें भी मैं मेरे को जानती हैं या मैं उनके साथ एज अ कोऑर्डिनेटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वगैरह का मैंने काम किया है, तो उस प्रोसेस में हमारे साथ DMIT हुआ हुआ है और मैंने मेरा DMIT करवाया हुआ भी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई वही बात है कि उसका कुछ हुआ नहीं, सॉल्यूशन ही निकला। मतलब मुझे ये पता लग गया कि मैं किस किस चीज़ में बेस्ट हूँ और क्या क्या मेरी वीकनेस है, बट आगे उससे कुछ हुआ नहीं, तो वो बस एक रिपोर्ट सी फाइल में बंद हुई और वो रखी रह गई। आज भी मैं वही हूँ जहाँ 3 साल पहले थी। मुझे लगा यार नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, अपने साथ वही है, अपन कुछ नया ही नहीं कर रहे। अब गजेंद्र सर के साथ मिली, इनका एक कोर्स चल रहा था ब्रेन रिकॉर्डिंग वाला शिक्षा परिवार में, लास्ट टाइम जब इन्होंने ज्वाइन किया तो मैं इनसे मिली, इनके आइडिया से इंस्पायर हुई, क्योंकि इनकी एक जो आइडियोलॉजी थी या जो भी कहें इनका जो विचार था वो ये था कि यार एजुकेशन सिस्टम में अपन बदलाव लाएं। होता भी क्या है मोस्टली जापान में या अदर कंट्री में अपन देखते हैं बच्चे क्यों इतने हाईटेक हैं, क्योंकि उनको 6th स्टैंडर्ड से ही उस एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है कि भाई ये आर्मी में जाएगा, ये ओलंपिक में जाएगा, ये स्पोर्ट्स में जाएगा, म्यूजिक में जाएगा, तो वहां से हर कोई आर्टिस्ट ही बन के निकलता है, हर कोई टैलेंटेड बंदा ही निकलता है। अपने इंडिया का क्या है, 12वीं तो कर, अभी 12वीं कर, अब 12वीं पास कर ली, अब BA कर ले, BSc कर ले, BCom कर ले, कॉमर्स वाला को BCom कर लेगा, BSc वाला मतलब साइंस वाला BSc कर लेगा, आर्ट्स वाला भी, मतलब 22-23 तक का हो जाता है ये प्रोसेस, बच्चा 22-23 साल का हो जाता है उस टाइम तक, तो तब तो उसको यही नहीं पता लगता कि अब आगे क्या करना है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले और धक्का देंगे, तले MA कर ले, MCom कर ले, MSc कर ले, फिर अब भाई अब हम कोचिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, मतलब बेचारों को उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है आगे, वो किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। मेरा है जैसे मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगर मुझे बचपन में अगर ऐसी जैसे DMIT जैसी कोई चीज़ होती और मुझे पता रहता तो हो सकता है मैं आज म्यूजिशियन होती, बहुत तगड़ी सिंगर होती, मैं भी सुनिधि चौहान श्रेया घोषाल जैसी होती, क्योंकि है मेरे में वो टैलेंट, मैंने बहुत अवार्ड जीते हैं बचपन में म्यूजिक में, बट मुझे एक गाइडेंस नहीं मिला। आज भी मेरे दिल में कसर को कोई गाता है, अरे क्या गा रहा है, इससे बढ़िया तो मैं ही गा लूं। अब लेकिन अब वो चीज़ है ही नहीं ना, अब वो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस छूट गई, अब तो आवाज़ ऐसी लगती है चिल्ला चिल्ला के, स्कूल वालों से बात कर करके आवाज़ ऐसी हो गई कि अब तो कोई सुनना ही साला पसंद नहीं करता जल्दी सी। तो वही है कि DMIT जो है वो एक अपने आप में एक क्रांति लाने वाली चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि DMIT से ही कुछ नहीं होता, ये जो टीम 360 जो कोर्स दे रही है और उसके साथ जो एडवांस कोर्स दे रही है, मेन चीज़ वो है, और वो ही एक क्रांति लाएगी। और बाकी रही बात इनके ट्रेनिंग टाइम की, तो बहुत शानदार जबरदस्त एक्सपीरियंस था, जैसा गजेंद्र सर ने बताया, मैं मतलब ये नहीं कैमरे के सामने, मैं बाइक पे जैसे हम जब ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद जब घर जाते हैं तो मेरे दिमाग में यही बातें घूमती रहती है, मेरे को ये बोलती हूँ यार देखो विपुल सर को कितना एक्सपीरियंस है, यार देखो सपना मैम भी कितनी ट्रेंड है, यार देखो अंजलि मैम ये सारे ट्रेंड है, ये सारे एक्सपर्ट है। मैंने कहा अपन तो सोच रहे थे अपने से तगड़ा कोई है ही नहीं है एक्सपीरियंस होल्डर, पर मैंने कहा ये तो सारे ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, प्लस में माइंड सेट विजन अपना क्लियर करना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के माइंड में अलग अलग होती हैं, पर जब वो एक साथ विचार निकलता है तो कुछ नया होके निकलता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग इन्होंने बहुत अच्छे से करवाई, एक एक चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लियर की है, और हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ ट्रेनिंग करने में, क्योंकि बहुत तो इन्होंने एग्जांपल हमारे साथ ऐसे ऐसे शेयर किए हैं जो एक्चुअल है, जेन्युइन है, जैसे जैसे विपुल सर बता रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तो विपुल सर के साथ आया, क्योंकि इनके जो बताने की जो स्टाइल है वो लगभग मुझे मेरी जैसी लगती है, जैसे मैं भी बीच बीच में किसी के एग्जाम्पल किसी की एक्टिंग करने लग जाती हूँ, तो इनका भी वही था, इन्होंने मतलब खुद ने जेनुअल बताया कि यार हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, स्कूल वाले ने बोला तू कहाँ जा रहा है, तो मोस्टली लगभग लोग बताते नहीं है ऐसे कि अपनी कमजोरी तो छुपा लेते हैं, बोले मेरे को नहीं वो तो मेरे स्टाफ वाले को कहा था अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन सर ने जो एक्चुअल हुआ वो हुआ, सब कुछ क्लियर बताया, जो एक्सपीरियंस था जो इनकी कमियां हुई कि भाई आगे हम ये चीज़ गलत ना करें, तो इन्होंने वो चीज़ भी हमारे साथ एक्सपीरियंस की, वो एक हमारे लिए एक बड़ा एक प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी तक ये चल रहा था नीरजा मोदी पकड़ लेंगे, IIS पकड़ लेंगे, AIS पकड़ लेंगे, इतने बच्चे हैं हो जाएगा अपना तो, बट इन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई कि नहीं आपको किस किस तरीके से वर्क ऑन करना है धीरे धीरे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जाते IIS में और वहीं से आके औंधे मुँह पड़ते,
तो हमारा वही हम डिमोटिवेट हो जाते, बोले क्या DMIT 2-3 महीने जो लगाते बंद करके, और बोले हाँ हो गया ठीक है, अपना हो गया, अपने बच्चों का हो गया, बस पता चल गया जयराम जी की। लेकिन अब जैसे सर ने ट्रेनिंग दी है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अब तो कर लेंगे अब, और स्कूल है ही जान में, ऐसी कोई अलग चीज नहीं है, पूरे राजस्थान भर में स्कूल जाने, एक पिच हमको मिल गई जिसपे हम अब बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और वो केवल इन टीम 360 के कारण हुआ है। स्पेशली DD सर हैं, इन्होंने भी कल हमको बहुत अच्छा अपना जो माइंडसेट करने वाला चीज बताई, विजन बताया। कल रात को मैं यही बोल कर रही थी अपने आप में, सुबह उठते ही मैंने मंत्र शुरू कर दिए तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ इनसे। और ट्रेनिंग का तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, बहुत सपोर्टिव है पूरा, एक एक मेंबर बहुत सपोर्टिव है, बहुत आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप नई जगह ट्रेनिंग करने आए हो। एक आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो अपने घर की सी बात है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद माधुरी मैम आपका भी, और एक और शख्स हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है ऋषि राज जी, इनसे भी जानते हैं क्योंकि 2 दिन की ट्रेनिंग में इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, तो चलिए जानते हैं इन्हीं से इनका अपना एक्सपीरियंस। नमस्कार टीम 60, नमस्कार सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टीम 60 के साथ में जुड़ के। सच बात यह है कि मैं पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था, मैं खुद एजुकेशन फील्ड के अंदर अब काफ़ी समय बाद के अंदर आया हूँ, लगभग मैं 13-14 ईयर्स का मेरे को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है पूरा। आज कौन माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे का आगे आने वाले भविष्य में क्या चीज़ होने वाली है। प्रत्येक माता पिता अगर यदि पहले से ही अवेयर हो जाए कि बोले कि मेरा बेटे की रुचि क्रिकेट खेलने के अंदर है, मगर अपन लोग उसको थप्पड़ मार के बिठा रहे हैं कि बोले कि नहीं बेटा तू क्या नाम से पढ़ाई कर, तो ऐसी ये वाली चीज़ें, अगर आपके बच्चे को क्रिकेट खेलने में रुचि है और अगर वो क्रिकेट शाम को 4 बजते या 5 बजते खेलने के लिए निकल रहा है या संगीत बजाने के लिए जा रहा है या XYZ जिस भी किसी टीम फील्ड के अंदर उसकी रुचि है, और अगर यदि वो बच्चा उसको कर रहा है मगर माताजी पिताजी पीछे से उसके लगे हुए हैं कि बोले कि नहीं बेटा तेरे को पढ़ाई करनी है, देख तेरा शाम को 6 बज गई, अब तेरा ये पढ़ने का टाइम हो गया, अब ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, ये वो, मगर बच्चे का उस जगह के ऊपर दिमाग नहीं लग रहा है। अभी तक पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे DMIT के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि थोड़े जागरूक बने और भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, सभी जगह के ऊपर मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि बोले एक बार इसको थोड़ा सा मैंडेटरी करें सभी स्कूल्स के अंदर, सभी कॉलेजेस के अंदर, सभी कोचिंग्स के अंदर, ताकि बच्चे को जबरन के ऊपर उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी थोपी ना जाए जो कि बोले कि वो मजबूरी के अंदर कर रहा हो। जो चीज़ वो मन से करना चाहता है, जो चीज़ उसके दिमाग के अंदर चल रही है, वो उसके अंदर अगर निपुण है, सक्षम है, तो प्रयास करके वो उसके अंदर खुद का कैरियर बहुत अच्छे से बना सकता है, ना कि जोर ज़बरदस्ती के बहकावे में और दबाव के अंदर आकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा टीम 360 के द्वारा जो इन्होंने ट्रेनिंग दी है, पिछले 2 दिन से हम लोग यहीं पे हैं, बहुत अच्छा है, और इन्होंने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है, सभी जनों का मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंचाइजी से तो आप सभी की मुलाकात हो चुकी है, अब हम मुलाकात करवाने वाले हैं टीम 360 के सभी टीम मेंबर से और जानेंगे उनसे भी आज का कि वो आज आप लोगों के लिए क्या नया मैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का, और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी और ऋषिराज जी, माधुरी जी, कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया और आप यहाँ पर आए, तो एक बार आपके लिए ज़ोरदार तालियां, क्यों कि हमारे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन जितना सटीक और जितना अच्छा आज आप लोगों ने बोला है वाकई में काबिले तारीफ़ है। अभी माधुरी मैम ऐसे जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हमसे भी कोई एक्सपर्ट हो सकता है क्या, ये इतना ज़बरदस्त हो सकता है क्या, हम तो हमारे को ही समझते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि है ना, वो एक जैसे लोग एक जगह ही होते हैं, तो हम बेस्ट है ना वो इसलिए क्योंकि आप बेस्ट और बेस्ट लोग ही मिलते हैं, तो वो एक जैसी क्वालिटी के लोग आज नहीं तो कल है ना आगे पीछे घूम के एक ही जगह आके इकट्ठे होते हैं, तभी सक्सेसफुल लोग आपको नजर आएंगे। जो भी है ना ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, वो सारे सक्सेसफुल जो टीम है ना वो एक एक जगह आपको मिलेगी, उन लोगों की वजह से ही सक्सेस आती है। सो खैर यहाँ पर चूंकि बात मैसेज की हुई, तो मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगा। देखिए जितना भी अभी इतना सारा लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, बस इतना सा ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा क्यों
लोगों को, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, हम हर बार अलग अलग तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे, मैं दो पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। पहला, जैसा कि महाभारत का जिक्र होता है, महाभारत में कितने लोगों ने अपने रोल प्ले किए हैं, कृष्ण भी रहे हैं, जो है बलराम भी रहे हैं, पांडव भी रहे हैं, कौरव भी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। लेकिन जब बात आती है महाभारत की, तो कौरव पांडव का नाम आता है। और पांडवों में आपने नोटिस किया होगा कि पांच पांडव थे और पांचों अपनी योग्यताओं के धनी थे, एक एक इंडिविजुअल योग्यता का देखनी था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को सब कुछ आता था, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज जो थी ना, वो धनुर्विद्या थी उनकी ज़बरदस्त। वर्ल्ड के, विश्व के उस टाइम के नंबर वन। जब भीम की बात आई तो गदा में नंबर वन, जब नकुल सहदेव की बात आई तो तलवारबाजी में नंबर वन, और जो तारों की गिनती में नंबर वन, मतलब घुड़सवारी में नंबर वन। तो सबकी अपनी अपनी, युधिष्ठर की आई तो खंडा में। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, हो सकता है उस टाइम DMIT जैसा कुछ रहा हो कि उनको इस तरह से दिया गया और उन्होंने उसमें एक्सपर्टीज हासिल करी और पूरे विश्व में उनका नाम हुआ। लेकिन अगर एक मिनट के लिए सोचा जाए, वो नहीं होता और उन पे थोप दिया जाता अर्जुन को कि तुझे यार गदा युद्ध करना है तेरे को, और उसको जबरदस्ती गदा युद्ध में लगाया जाता, तो वो किसी काम का नहीं रहता। ना आज विश्व को अर्जुन का नाम पता चलता कि अर्जुन जैसा कोई शख्स पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो तुम गदा कर पाते, गदा युद्ध में अच्छे हो पाते, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, और युद्ध में तुम धनुर्विद्या में जबरदस्त हो, वो तुम्हें करने नहीं दिया जाता, तो तुम कहीं के नहीं रहते। यही होता कि भाई साहब, वो भाला बहुत बढ़िया तरीके से चलाते थे युधिष्ठिर, लेकिन उसको पकड़ा देते कि नहीं, तू तो तलवार चलाएगा, तो वो वैसे मार खा जाते। नकुल सहदेव को कह देते नहीं, तुम गदा चलाओगे। अब नकुल सहदेव भैया शारीरिक रूप से इतने मजबूत थोड़ी, इतनी बड़ी भाला उस गदा को लेके घुमाएंगे फिराएंगे संभव ही नहीं है। उनकी यूनिकनेस, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उसके बाद उनको गया, तो पूरा विश्व आज उनकी स्ट्रेंथ को, पूरा विश्व उनकी योग्यताओं को जानता है। जहां जहां भी नोइंगली और अनोइंगली टेस्ट का उपयोग या किसी भी दृष्टि से, आप पाएंगे कि वो लोगों ने विश्व में इतिहास रचा है। सचिन तेंदुलकर अभी सर जिक्र कर रहे थे, विश्व में इतिहास रचा है। लता मंगेशकर विश्व में इतिहास रचा है। जिसने भी अपनी यूनिक प्रतिभा जो उनकी है उसको निखार लिया, किसी भी तरीके से उनकी जानकारी में आया है, उन्होंने इतिहास रचा है। इसलिए DMIT टेस्ट, जैसा कि बता रहे, कंपल्सन होना चाहिए, ताकि आपको पता चले आप किसके लिए बने हो और उस लाइन में आगे जा सको। दूसरा, लोग हमसे अक्सर कहते हैं, जैसे इतना जिक्र आ रहा है भाई टीम 360 का, हमें 11 साल का अनुभव हो गया, बहुत लोग हमारे को कहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, एक तरीका और भी है। हम लोगों ने आपके यहाँ पे अभी और जिक्र भी होगा, 12 किताबें हमने आप लोगों के लिए लिखी है, अमीर कैसे बने, DMIT कैसे करें, मिड ब्रेन एक्टिवेशन को कैसे करना है, उससे संबंधित जितना टीम 360 के पास अनुभव है ना, वो सारा हमने हमारी किताबों में डाला है। क्यों? क्योंकि भाषा को तो आप पकड़ नहीं सकते। आज मैंने कोई सेमिनार लिया है, जरूरी नहीं मैं कल उसी तरीके से लूं, हो सकता है शब्द दूसरे हो जाएं, बात दूसरी हो जाए, आप किसी शब्द से आपके क्लिक किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो वीडियो में आपको देखने को कुछ और मिले, क्योंकि भाषा को तो नहीं पकड़ सकते। ऐसे में लोग हमसे अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बातें पूछते हैं, और हमसे एक बार पूछ लेते हैं, बता दिया, फिर उन करता सर ये चीज तो रह गई, ये पता चल जाती है, अच्छा रहता। अरे सर, क्योंकि हमें 11 साल का अनुभव है, आपने मान लो अभी फ्रेंचाइज लिया है, तो 11 साल का एक्सपीरियंस तो लेने में टाइम लगेगा, वो तो उससे लाख समझदारी वाली बात है कि 11 साल का हमने जो अनुभव है ना, एक किताब में डाल दिया, ताकि आपको 11 साल जो है ना, जैसे कहते हैं भाई साहब, यहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है, तो जब मालूम है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है, वो हम देख चुके हैं, जाओगे तो आएगा, जाके देखने की जरूरत नहीं है कि भैया आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही 11 साल का जो अनुभव है ना, वो हम कर चुके, तो अब आपको 11 साल तक वो गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है भैया, वो हम कर चुके और उनका सार हमने एक किताब में लिख दिया है। वो किताब आप लोगों के पास जो है, आप लोगों को बस फ्लिपकार्ट का उपयोग करना है। अभी आपसे उसके ऊपर भी डिटेल डीजी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो इस पर जरूर प्रकाश डालें कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू उसका उपयोग करें और वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको किताबों के थ्रू भी मिल सके और उससे लाभ उठाएं, और 11 साल का अनुभव केवल एक दिन में पाएं, और 11 साल बाद जो हमें सक्सेस मिली, जो स्टारडम जो एंजॉय हम कर रहे हैं, वो आप पहले दिन से प्राप्त कर पाएं। थैंक यू सो मच विपुल सर। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं टीम 360 के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से, जानते हैं उनसे भी आज हमारी फ्रेंचाइजी और देख रहे सभी व्यूअर्स के लिए वो क्या नया मैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। मैं सिर्फ तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं एक कहानी के रूप में कहूंगा, ताकि बाकी मेरी तीन बातें जो है प्रमाणित हो सके। छोटी सी कहानी है कि एक बार भारत को देखा, अमेरिका को देखा, तो जंगल में भी क्या प्रजातंत्र की बातें चल पड़ी कि चुनाव होना चाहिए, शेर जो है राजा नहीं रह सकता, इसकी जगह चुनाव होना चाहिए। फिर कुछ लोग बैठे वहां पर और बैठ करके ये तय किया, शेर बैठा, लोमड़ी बैठी, बोले ये चुनाव का तरीका तो ठीक नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? बोले जो आदमी प्रतिभावान है, जो जानवर प्रतिभावान है ना,
वो शेर की जगह राजा बनना चाहिए। तो बोला फिर ठीक है, एक पब्लिक एग्जाम करा लो, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है या आईआईटी का एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, तो ऐसे एक एग्जाम हो जाना चाहिए, पब्लिक एग्जाम, और जिसमें सर्वाधिक मार्क्स जिसके आएंगे उसको जो है राजा घोषित कर दिया जाएगा। तो इस के तहत जो है सब्जेक्ट तय कर दिए गए कि भैया पांच पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा तैराकी का, कौन सबसे बढ़िया तैरता है उसके नंबर जुड़ेंगे। दूसरा जो है पेड़ पर चढ़ने का, पेड़ पर कौन यानी जल्दी तेज गति से चढ़ता है, इसके 10 नंबर होंगे। 10 नंबर जो है तैराकी के होंगे, 10 नंबर है जो इसके होंगे कौन तेज भाग सकता है, 10 नंबर होंगे कि कौन जो है जमीन में गड्ढा खोद सकता है, एक और देखा जाएगा कौन ज्यादा छलांगे लगा सकता है। इनके 10-10 नंबर करके 50 नंबर का पेपर होएगा, और इस पेपर के अंदर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए कि ठीक है आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, 3 महीने बाद ये एग्जाम कंडक्ट होएगा। सभी लोगों ने अपनी तैयारी की और एग्जाम कंडक्ट हुआ। एग्जाम कंडक्ट हुआ तो एवरेज मार्क्स किसके सबसे ज्यादा आए, एक ईल नाम का जानवर होता है, ईल जो क्या है पानी में भी थोड़ा बहुत कर लेता है काम, पेड़ पर भी चढ़ जाता है, थोड़ी बहुत छलांग भी लगा लेता है थोड़ा, वो ईल जो जानवर है, खरगोश जो छलांगे लगाता था पिछड़ गया, एग्जाम में नहीं आ पाया। शेर जो बहुत साहसी था वो भी एग्जाम में नहीं आ पाया, और जो जानवर थे दूसरे गिलहरी पेड़ पर तेज गति से चढ़ जाती थी वो भी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। एग्जाम में कौन सिलेक्ट हुआ जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब चीजों का रखता था, और वो ईल नाम का जानवर है वो फर्स्ट घोषित किया गया और उसे जो है शेर की जगह बैठा दिया गया। बस ये कहानी ये कहती है कि इसी तरह से हम 5-7 पेपर में टेस्ट लेकर के उसको कलेक्टर की कुर्सी पे बैठा देते हैं, उसको किसी अन्य कुर्सी पे बैठा देते हैं, और वो वहां पर फेल हो जाता है, भ्रष्टाचार के तरीके अपनाता है और करता है। हमारी ये जो परीक्षा पद्धति है ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि वो ईल का चुनाव कर देना परीक्षा के लिए। एक गिलहरी से ये उम्मीद करना कि वो जो है तेरी भी बढ़िया कहां तक उचित है, एक खरगोश से ये उम्मीद करना कि वो तैरेगा कहां तक उचित है, शेर से ये उम्मीद करना कि वो पेड़ पर चढ़ेगा, ये लोग अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं लेकर के पैदा होते हैं। इसी तरह से हर बच्चा ईश्वर ने जो पैदा किया है वो कोई न कोई चारित्रिक योग्यता के साथ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वीकनेस शब्द नहीं है, विशिष्टताएं हैं। किसी के अंदर सुनने की ज्यादा विशेषता है, किसी में देखने की ज्यादा विशेषता है, किसी में करने की विशेषता है, इसलिए वीकनेसेस नाम की कोई चीज नहीं है। स्ट्रेंथ है और खूबियां हैं, किसी में ये खूबी है किसी में दूसरी खूबी है, इसलिए वीकनेस नहीं है, वो किसी और फील्ड में होशियार है। इसलिए क्या है कि अलग अलग विशेषताएं हैं, तो वीकनेस जैसी कोई चीज नहीं है। आप उसकी जो दूसरी खूबी है उसका इस्तेमाल करिए, किसी की और खूबी है उसका इस्तेमाल। हर बच्चे के अंदर अनेक खूबियां हैं और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, इसलिए उस यूनिक बच्चे को अगर वो म्यूजिक के लिए पैदा हुआ है तो उसे म्यूजिशियन ही बनाओ, उसको आप जबरदस्ती डॉक्टर मत बनाओ। जो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है उसका DMIT रिपोर्ट डॉक्टर बने उसे डॉक्टर बनाओ, उसे जबरदस्ती मार पीट करके यानी MBA मत कराओ, या जो कोई अच्छा इंजीनियर बन से इंजीनियर उसे मार पीट करके IAS मत बनाओ। अपने यहां सिस्टम क्या है कि जहां तड़क भड़क है, जहां पावर कहां है, जहां पैसे कहां है, 2 नंबर के गुंजाइश कहां है, उस पोस्ट के लिए सबको जो है दौड़ाया जाता है कि सब लोग कोटा जाओ और अपनी अपनी तकदीर अजमाओ, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, और बन गए उसके बाद आते हैं नहीं नहीं क्या कुछ नहीं, अब तो IAS बनो यार, इंजीनियर भी हो गए तो भी कुछ नहीं, IAS बनो, डॉक्टर भी हो गए तो कुछ नहीं, आई यानी IAS में दोनों तीनों चीजें उन्हें नजर आती है, दो पैसा भी ले लेगा, तड़क भड़क भी है, पोस्ट भी है, गाड़ी घोड़े हैं और है। फिर जब IAS बन गए तब भी कह रहे नहीं यार ये तो मिनिस्टर लोग डांट देते हैं कर देते हैं, हमें तो टेंशन हो जाता है, चुनाव लड़के हम तो जो है मिनिस्टर बने। अरे इससे बेहतर है कि अपनी DMIT रिपोर्ट कराई जाए, अपनी यूनिकनेस को देखा जाए, जो चीज के लिए जो इंसान इनबोर्न कैपेबिलिटी लेकर के आया अगर उस फील्ड में उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो कीर्तिमान स्थापित करेगा। अमेरिका वगैरह में सिस्टम है, अपने यहां भी इस सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होया, अभी विपुल जी ने कहा था कि महाभारत काल में ऐसा सिस्टम था, बिल्कुल था, मुगलों के टाइम में भी बिल्कुल था, जो तीर चलाना चाहता था तीर ही चलाता था, जो यानी तलवारबाजी करता था तलवारबाजी करता था, मुगल काल में भी ये बिल्कुल था,
यानी औरंगजेब जिस चीज में माहिर था उसी चीज में था, अकबर अलग चीज में माहिर था। अकबर ने कभी कहते हैं तलवार चलाई नहीं, वो तो अपनी बुद्धि बल से ही सबको यानी काबू में करता था, तो अलग अलग था। लेकिन अंग्रेज जब आए, उन अंग्रेजों ने एक आईएएस नाम किया, ऐसी एक लाया कि एक ऐसा व्यक्ति लो जो किसी भी चीज में माहिर नहीं है, सिर पे बैठा दो ताकि वो सबको डिप्रेशन में रखे, डॉक्टर भी उसके आगे कुछ नहीं बोल पाए, इंजीनियर भी नहीं बोल पाए, उसका वो रुतबा जो आईसीएस ऑफिसरों का रुतबा था ना, उस रुतबे से उन लोगों ने तो इसलिए कि उनको राज करना था। लेकिन अब देश स्वतंत्र हो गया तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर जो जो खूबियां हैं उन खूबियों का विकास किया जाना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए डीएमआईटी जो अभी कहा गजेंद्र जी ने कि सरकारों को इसे लागू कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं संसद में और में इन बातों को रख रहे हैं कि आने वाला समय जो है सबका करें, क्योंकि सोवियत रूस का आपको एग्जांपल विपुल सर ने बताया होगा कि सोवियत रूस ने जब डीएमआईटी के जरिए अपने यानी प्लेयर्स तैयार किए तो अनेक गोल्ड मेडल प्राप्त किए ओलंपिक में, और उससे पहले जब डीएमआईटी का इस्तेमाल नहीं करते थे तो उनके बहुत कम होते थे, गोल्ड मेडल कम मिलते थे। तो जब उन देशों ने लाभ उठाया है, ये अगर ये सोवियत यूनियन टूटता नहीं, सोवियत यूनियन के जो 50 देश थे टूटते नहीं, तो आज वाकई में डीएमआईटी जो है घर घर में स्कूल स्कूल में होती, हर एक बच्चे की जरूरी होती। लेकिन वो देश टूट गया जिसने इसका लाभ उठाया था, इसलिए फिर आगे तरक्की इस दिशा में नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, वो ये कि अभी गजेंद्र जी ने कहा, माधुरी जी ने भी बातें बताई और ऋषिराज ने भी बातें बताई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक आदमी में, इंसान में चार शक्तियां मौजूद है। पहली शक्ति ये कहलाती है कि वो शारीरिक रूप से उसमें कुछ बुद्धिमता है। इस शारीरिक रूप से जो बुद्धिमता है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका अपने को लाभ उठाना चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से उसमें कुछ बुद्धिमताएं हैं, विजन है उसके पास में, माइंडफुलनेस है उसके पास में, उसका लाभ उठाना चाहिए। और तीसरी जो है भावनात्मक बुद्धिमता है, उसके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका अपने को प्रॉपर उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी है, उसका भी अपने को ठीक से उपयोग करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी है, ये अपने पूरा आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से क्या प्रभावित करते हो, या तो आप अंदर से डाकू हो और या आप महापुरुष हो, अर्ध बीच में नहीं हो, या तो आप अंदर से क्या हो, अभी जो गजेंद्र ने शब्द का अंदर से क्या हो, तो अंदर से जो चीज आप होना वो दो बातों के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। पहला तो है कि आपने अगर आपने बहुत कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड करके और कुछ चीजों को अपने अंदर डाल लिया, जैसा कि मैंने कहा था ना कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में वो चीजें डाल ली जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आप ही अपने सॉफ्टवेयर के यानी प्रोग्रामर हो, आपने फालतू चीजों को डिलीट कर दिया, अच्छी चीजें आपने अपने ब्रेन में डाल ली, तो आपका अंदर वाला सुधर गया। जब आपके अंदर वाले को आपने सुधार लिया, डीएमआईटी रिपोर्ट देख करके आपने देख लिया कि एक कचरा है, इसको अपने यहां से हटा दो, अच्छी अच्छी चीजें अपने को रख लो, तो आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ गया। अब मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं कि आप क्या हैं, आप आईआईटी हैं तो ये लोगों को बताइए, आप जो है ऑफिसर हैं तो बताइए, आप कितना कमाते हैं लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों को आपका जब परिचय मिलेगा ना कि आप स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व्ड हो, स्पिरिचुअल वाला आपका कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर में सेक्स को मत लीजिए, और जो चीजें जो कि जीवन में कैरेक्टर बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी शिक्षा है, आपका अनुभव है, आप में डिटर्मिनेशन की पावर है, आपके अंदर वचनबद्धता है, जो काम कह दे तो कर दो, ये सब बातें कैरेक्टर कहलाती है। तो ये आपका जो कैरेक्टर है इसका परिचय अगले व्यक्ति को मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो अपना अंदर का ताला नहीं खोलेगा, आपकी बात को सुनेगा नहीं, चाहे आप कितनी इमोशनल अपील कर लो, कितना ही आप उसे वो आर्ग्यूमेंट दे दो। तो सबसे पहले जहां भी आप अपनी बात करो, जो भी लोग यूट्यूब पे मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात का गौर करें कि सबसे पहले आप अपना जो कैरेक्टर है वो लोगों के सामने प्रकट करिए, ताकि लोग अपने अंदर का ताला खोले और रिसेप्टिव हो, आपकी बातों को सुने, नहीं सुनेंगे ही नहीं, आपने यानी अपनी एनर्जी खराब करी, बोले लोगों ने अंदर ही नहीं जाने दी बात। इसलिए सबसे पहले आपके स्पिरिचुअल क्वोशेंट का इस्तेमाल कीजिए, आप अंदर से क्या है ये लोगों को बताइए। और जिस दिन
आप में गहनता ज्यादा हो जाएगी, उस दिन फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो साइलेंस स्पीक्स, फिर तो मौन उपदेश होएगा। आप जहां भी बैठेंगे आपके विचार उन तक स्वतः उसके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। ये स्थितियां गांधी वगैरह के पास में जो लोग बैठते थे एकदम तब्दील हो जाते थे, तो वो बात भी आ जाएगी धीरे धीरे आप में। लेकिन जब तक वो नहीं आए तब तक कम से कम यानी अपनी बात को शब्दों में उसे बताइए, अपने परिचय बतला देने के बाद में दूसरी आपकी जो है आप अगले व्यक्ति के पास में क्या फ्रेंडशिप रखते हैं, क्या मैत्रीपूर्ण है, उसको क्या देना चाहते हैं, इस बात का अवश्य जिक्र करिए। आप लोग ये कहलाता है आपका इमोशनल कोशेंट, आप इमोशनली लोगों से जुड़िए, आप लोगों के फायदे की बात कहिए, तो फिर वो ये सोचेंगे कि यार ये आदमी तो अपने काम का है, अपना दोस्त है, अपने को इसकी बात सुननी चाहिए। फिर जो तीसरी बात है, पहले को ग्रीक भाषा में या ग्रीक माइथोलॉजी पहले को इथोज बोलती है, स्पिरिचुअल कोशेंट जिसमें आपने काम में लिया, दूसरा इमोशन कोशेंट आपने काम में लिया उसको जो है पैथोज बोलती है, और तीसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब अब आप लॉजिकली बात कहिए, जो आप बात कहना चाहते हैं गणित की, भाषा की, पैसे की और के, लॉजिकली आपका प्रेजेंटेशन जो है वो दीजिए लोगों को, तो आप में क्या है। मगर ये तीनों बातें आपको करने से पहले क्या करना है, विजन, आईक्यू का इस्तेमाल करिए, विजन बनाइए। जब भी बोलो तो 5-4 पॉइंट लिख लीजिए कि मेरे को इन बातों को इस ढंग से पेश करना है, ताकि व्यक्ति अपना अंदर का ताला खोल लेगा, ताला बंद चिंतन है, ताला हुआ खोल लेगा, आपकी बात को सुनेगा। और फिर DMIT में आपने एक बात पढ़ी है, तीसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि अभी DMIT में आपने बात पढ़ी है क्या, कि कुछ लोग जन्मजात लेफ्ट हैंडर होते हैं 3-4 साल का बच्चा पता चलता है यार ये तो बाएं हाथ से काम करता है, कोई बच्चा पता चलता है ये तो दाहिने हाथ से काम करता है, मम्मी पापा देखते हैं केवल। इसी तरह से अब कोई कहे क्यों होता है ऐसा, ये तो ईश्वर जाने क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाए, वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाए, हमें भी नहीं मालूम कौन आदमी लेफ्ट हैंडर हो जाता है और कौन राइट हैंडर। ऐसे ही जब आप DMIT का पता करो तो आपको पता चलेगा कुछ लोग क्या है, विजुअल हैं, ईश्वर के बनाए हुए वो विजुअल, आपने नहीं बनाया है, वो विजुअल हैं। कुछ लोग ऑडिटरी हैं और कुछ लोग काइनेस्थेटिक हैं, तो आपको अपनी बात इस ढंग से कहनी चाहिए ताकि काइनेस्थेटिक आदमी के ऊपर भी आपका असर हो जाए, आपका असर जो है विजुअल पर भी हो जाए, आपका असर जो है ऑडिटरी भी हो जाए। अगर ऑडिटरी व्यक्ति को आप कोई बात सुनाओगे नहीं, दिखाओगे, तो अंधे के आगे बीन बजाना है, भैंस के आगे बीन बजाना, वो सुनेगा ही नहीं, अंधा आदमी है, वो अंधा है। विजुअल आदमी के आगे आप अगर गीत गाओगे वो नहीं सुनेगा, और कोई ऑडिटरी को दिखाओगे तो नहीं सुनेगा, काइनेस्थेटिक है और उसे आप और दोनों तरीके इस्तेमाल। तो आपको क्या इन तीनों चीजों का उचित मिश्रण जो है, उचित कॉम्बिनेशन जो है आपको प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आपका हर कस्टमर, आपका हर स्टूडेंट आपकी बातों को इंटरनलाइज कर ले और वो भी लाभ उठाए और आपको भी लाभ मिले, टुगेदरनेस की भावना बन जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और आप लोगों ने हमें इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी आपसे नई एक्सपीरियंस फ्रेंचाइजी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।